हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बनाते हैं बूंदी का रायता। इसके लिए हमें चाहिए बूंदी, दही, कटा हुआ धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च और सरसों, और तवे पे आप साबुत धनिया, जीरा और काली मिर्च को थोड़ा भून लीजिए, क्योंकि ये मसाले को डालना है दही में। तो फिर एक कटोरे में दही ले लीजिए, अच्छी क्वांटिटी में जितना आपको बनाना है। फिर उस दही में, दही अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो उसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि बूंदी पानी सोखता है, इसीलिए थोड़ा पानी डालना ज़रूरी होता है। फिर बूंदी डालिए उसको, जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए उतना आप बूंदी डालिए। ये मैंने 4 से 5 लोगों के लिए बनाया है एक टाइम के लिए। तो फिर ये जब अच्छी तरह से मिल जाए, तो फिर जो मैंने गर्म किए थे मसाले उसको मैं कूट रही हूँ। उसके बाद जब ये मसाले अच्छी तरह फाइन हो जाए, उसके बाद उसको अपने दही में डाल दीजिए। फिर इसके ऊपर आप जो कटी हुई धनिया थी उसको डाल दीजिए अच्छे से, फिर कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए और इसमें काला नमक डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। और उसके बाद मैं तड़का लगाती हूँ, तो तवे पे या फिर कलछुल में किसी में भी सरसों तेल, राई, लाल मिर्च और आपके पास अगर ये करी पत्ता है तो वो भी डाल के इसको छौंक दीजिए। उसके बाद से फिर इसको ठंडा करके खाइए। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर।